तेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, देख सकते हैं शिहाब भाई का काफिला में मिल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दुआएं मिल रही हैं शिहाब भाई को, अल्लाह सलामत रखे। चलिए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम भाई, देखिए शिहाब भाई ने मेरा सलाम ले लिया है, अल्लाह सलामत रखे शिहाब भाई को। आप देख सकते हैं तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो रोड जा रहा है सीधा रोड, ये राजस्थान का रोड है, पंजाब में एंट्री शिहाब भाई ने कर ली है। और अब जो शिहाब भाई का यहाँ पर ज़िला लगा है तो ज़िला फिरोजपुर है, यानी कि शिहाब भाई ने पंजाब में एंट्री कर ली है और सित्तू बाईपास ही है और ज़िला जो है फिरोजपुर है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखते रहे, आपके ही कहने के मुताबिक हम लोग आपकी दुआओं को लेकर शिहाब भाई के पास पहुँचे थे। और इंशाल्लाह ताला पहुँचने के बाद में शिहाब भाई की आपको वीडियो दिखा रहे हैं, सामने से बना रहे हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जगह से खड़े होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत माशाल्लाह बहुत खुशी मिली मुझे यहाँ पर आके। तो चलिए आगे का नज़ारा आप देखते रहें इंशाल्लाह ताला। अब आगे देखते हैं शिहाब भाई कहाँ पर रुकते हैं, इंशाल्लाह वीडियो में बने रहें, पूरा देखें वीडियो को भाई। आगे निकाल देना आप, लेकिन नाज़रीन इकराम बहुत अच्छे तरीके से हमें देखिए, मैं यूपी से आया हूँ और मैं सलमान रजा मेरा नाम है। देखिए नाज़रीन इकराम सामने से शिहाब भाई आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह, अल्लाह सफ़र में आसानी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देखिए किस कदर माशाल्लाह पब्लिक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी शिहाब भाई के साथ चलने की सआदत हासिल करता हूँ इंशाल्लाह ताला, जहाँ तक हो सकेगा शिहाब भाई के साथ चलूँगा मैं। आप देखते रहें, बोहर 22 किलोमीटर भाई देख सकते हैं आप। सर क्या नाम है आपका? सतपाल यादव। आपने जो राजस्थान पुलिस से हैं आप माशाल्लाह, तो इन्होंने आपने बहुत साथ दिया शिहाब भाई का, यानी कि कितने किलोमीटर आप चले शिहाब भाई के साथ? यही है अभी जो पुलिस यहाँ से, अच्छा आपकी ड्यूटी यहाँ पर ही है, तो यानी कि शिहाब भाई का जो सफर रहा है बेहतर रहा आपके साथ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपका क्या नाम है? तोड़ाराम हेड कांस्टेबल। अरे माशाल्लाह, देखिए ये हमारे कांस्टेबल साहब हैं, तोड़ाराम हेड कांस्टेबल पुलिस थाना जी, बहुत बढ़िया, इनका नाम है तोड़ाराम, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत साथ दिया राजस्थान की पुलिस ने माशाल्लाह, बहुत साथ दिया शिहाब भाई का। और अब आप देख सकते हैं यहाँ से आगे को पंजाब बॉर्डर लग गया है और भाई अब पंजाब की पुलिस साथ देगी उनका माशाल्लाह। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद आप लोगों का। देखिए नाज़रीन इकराम शिहाब भाई यहाँ पंप पर रुके हुए हैं और अभी यहाँ पर उन्होंने आराम किया था, पानी वानी पिया माशाल्लाह, थोड़ी देर आराम करके पानी पी गए। अब जी शिहाब भाई शायद पल्ली तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं शिहाब भाई माशाल्लाह दीवार को क्रॉस कर दिया शिहाब भाई ने। देखिए पूरी टीम शिहाब भाई की यहाँ पर है, उनके लिए थोड़ा सा चारपाई का इंतजाम करा है। अब यहाँ पर पंप पर रुके हुए हैं शिहाब भाई और ये एड्रेस हम आपको अभी बताएंगे इंशाल्लाह ताला कि ये एड्रेस क्या है। एड्रेस वही है जो हमने अभी आपको बताया था, पंजाब बॉर्डर में यानी कि राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करके पंजाब में एंट्री कर चुके हैं इंशाल्लाह ताला। आप चैनल पर बने रहें। Thank you.
देखिए शाब भाई ये खड़े हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देख सकते हैं आप शाब भाई सामने खड़े हैं, यहाँ से मैं शूट कर रहा हूँ। ये पंप है, ये देखिए मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये शाब भाई यहाँ पे खड़े हैं माशाल्लाह, आराम के लिए शाब भाई रुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये शाब भाई की टीम है जो उनके साथ चल रही है केरला से, अब तक कुछ भाई बीच में से शामिल हुए हैं टीम में। अपने हाथ को आ जाओ जल्दी, आ जल्दी मेरे इधर को आ, चलो साइड में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो दोस्तों अभी हमें आपको शाब भाई की लोकेशन दिखाई, उनको चलते हुए भी दिखाया। आज जो है 7 सितंबर में एक वीडियो हमने सुबह डाली थी और ये दूसरी वीडियो हमारी अब आ गई है जो आपने देखी अभी। तो ये जो शाब भाई हैं हमारे, शाब भाई ये रोड जो आप देख रहे हैं ये पंजाब में एंट्री कर चुके हैं और ये रोड सीधा वहाँ से आ रहा है जहाँ से शाब भाई भी आए, यानी कि खेरवाला से, खेरवाला जो राजस्थान में लगता था वहाँ से ये रोड आ रहा है। ये सीधा अब इधर को जो ये रोड जा रहा है हमारे पीछे देख सकते हैं, ये इधर जा रहा है सीधा पंजाब में एंट्री करने के बाद में ये सीधा पता नहीं कहाँ जाएगा, आगे चल के बताएंगे कौन सा गाँव आता है। और इंशाल्लाह ताला जौन सा भी गाँव आगे आएगा आपको पता चल जाएगा कहाँ इस्तकबाल होगा शाब भाई का। वसीम भाई हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं कल सुबह के 10 बजे के निकले हुए हम 11 बजे के, और आज 8 बजे हम शाब भाई तक पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं हम जो खेरवाड़ा के लिए हमने बस पकड़ी थी दिल्ली से, जिस बस में हम बैठे थे उस बस में बैठने के बाद में जहाँ बस ने हमें उतारा वहाँ से वो बोले अब खेरवाड़ा के लिए बस पकड़ लो। हमने फिर खेरवाड़ा के लिए बस पकड़ी, तो खेरवाड़ा के लिए बस पकड़ी तो हमने क्या देखा रास्ते में कि हमारे वसीम भाई ने देखा, मेरा तो ध्यान भी नहीं पड़ा। वसीम भाई बोले अरे शाब भाई जाने, हम खेरवाड़ा की तरफ जा रहे थे और शाब भाई उधर से खेरवाड़ा की तरफ से पंजाब की तरफ आ रहे थे माशाल्लाह, यानी कि पंजाब बॉर्डर पर। तो हमने वहीं बस रुकवाई और हम बस में से उतर गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह शाब भाई हमें मिल गए हैं। अभी कुछ वीडियो आपको हमने दिखाई, लोकेशन दिखाई, बॉर्डर की भी दिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह। चैनल पर बने रहें, अगर पहली बार देख रहे हो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि रोज़ाना हम शाब भाई की अपडेट आपको देते रहेंगे इंशाल्लाह, और अच्छे अच्छे कलाम भी हम आपको सुनाते रहेंगे। ये रोड यहाँ पर चल रहा है, चलिए आज देखिए दोस्तों कलाम सुनने के लिए नहीं मिलेगा जिस क्वालिटी में पहले सुनते थे इको में, ऐसा नहीं मिलेगा सुनने के लिए क्योंकि यहाँ इको सिस्टम नहीं है, लेकिन इको सिस्टम भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, आपको सुनवाऊंगा कलाम बहुत। फिलहाल सादी आवाज़ में सुन ले, मैं वसीम भाई से गुजारिश करता हूँ कि मैंने आपसे बताया था कि वसीम भाई भी बहुत अच्छी नासरी पढ़ते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं एक शेर की गुजारिश करता हूँ वसीम भाई से कि एक दो शेर पढ़ें। लीजिए वसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं सलमान रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल माशाल्लाह, और जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी भाई शुक्रिया भाई। तो आइए मैं नाद पाक का एक दो शेर आप तक पहुँचाता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। जी जी आता हो। अल्लाह दिखा दे मुझे दरबारे मदीना मदीना, अल्लाह दिखा दे मुझे दरबारे मदीना, अल्लाह दिखा दे मुझे दरबार मदीना, अल्लाह दिखा दे मुझे दरबार मदीना, सबसे बड़ी सरकार है, सबसे बड़ी सरकार है सरकार मदीना मदीना, सबसे बड़ी सरकार है सरकार मदीना। और ये शेर शेर मुलाहिज़ा फरमा लें। उन आँखों को चूमूंगा मैं शौक अदब से, उन आँखों को चूमूंगा मैं शौक अदब से, जो कर
के चली आई है, जो कर के चली आई है, दीदार मदीना मदीना अल्लाह दिखा दे हमें सरकार मदीना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वालेकुम सलाम। देखिए दिल खुश कर दिया वसीम भाई ने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कलाम सुनाया। अल्लाह दिखाते दरबार मदीना माशाल्लाह। तो नाज़रीन इकराम चैनल पर बने रहें, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं आपके लिए ही यहाँ पर आए हैं, हम सिर्फ आपके ही दुआ शहाब भाई तक पहुँचाने के लिए आए हैं। अगर हम ये सोच के, पहले हम ये सोच रहे थे कि हम बाघा बॉर्डर तक शहाब भाई के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। अब हमने यहाँ पर जितने बंदे शहाब भाई के साथ चल रहे हैं ना, और भी बहुत सारे लोग जो चल रहे हैं जो बाघा बॉर्डर तक उनके साथ जाएंगे इंशाल्लाह, हमें सबके नंबर हमने ले लिए हैं। हम उनसे लाइव लोकेशन पूछते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमें 3 से 4 दिन में यहाँ से वापस जाना है। क्योंकि मेरे अजीज़ आप जानते हैं परिवार का भी थोड़ा मामला रहता है, बेटा है बेटी है माशाल्लाह, और भी परिवार के और भी काम काज हैं, तो उन पर भी ध्यान रखना पड़ता है। उधर जैसी क्वालिटी स्टूडियो में नाज शरीफ की आपको सुना रहा था इको में, और आपको बहुत अच्छा आप प्यार दे रहे थे इंशाल्लाह ताला, तो वो क्वालिटी आवाज़ की यहाँ नहीं मिल पाएगी। तो और भी कई सारी बातें हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इंशाल्लाह जल्दी घर पहुँचेंगे और आपको फिर वैसे ही कलाम सुनाएंगे और शहाब भाई की लोकेशन इंशाल्लाह सच्ची बताएंगे। फिलहाल शहाब भाई जो है पंजाब में एंट्री कर चुके हैं, राजस्थान जो स्टेट उन्होंने पार कर दी है, ठीक है। आज 7 सितंबर में भाई खेरवाड़ा से लेकर आज 7 सितंबर है, और आज शाम तक कितना चले और कहाँ उन्होंने क्याम किया इंशाल्लाह चैनल पर बने रहे, आपको बिल्कुल लाइव अपडेट मिलेगी अब इंशाल्लाह, क्योंकि हम शहाब भाई के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ पे शहाब भाई का क्याम किया गया है, साइड में। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा पीछे आ जाओ, बेटा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, बाद में बना लियो बाबू, बाद में बना लियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। देखिए खुशी की बात यह है कि हम रहने वाले हैं ककराली के जिला अमरोहा के, और हमारे हजरत ने, क्या नाम आपका? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम जो गुमसानी है, गुमसानी के पास में मुंडी मिलक है माशाल्लाह, मुंडी मिलक के हजरत हैं, और यहाँ अबोहर में इमामत चल रही है हजरत की माशाल्लाह। और यहाँ पर ये जो शहाब भाई इस टाइम रुके हुए हैं, सारा इंतजाम हजरत ने ही करवाया है शहाब भाई का, रुकने का, खाने का, खाने पीने का, नाश्ते का, सारा इंतजाम हजरत ने कराया है। तो मैं हजरत से कुछ पूछना चाहूंगा कि शहाब भाई इस टाइम जो रुके हुए हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं आई इसमें? कहाँ से आए हैं, कहाँ से, मतलब इस टाइम इमामत जो कर रहे हैं अबोहर में, यहाँ से कितनी दूर है अबोहर? अब लगभग 30-35 किलोमीटर है। या 30-35 किलोमीटर अब और यहाँ से है, और 30-35 किलोमीटर से चल के हजरत यहाँ पर आए हैं शहाब भाई के इस्तकबाल के लिए, और सारा इंतजाम हजरत ने किया है। जैसे कि मेरे पीछे घर देख सकते हैं, इसी घर में ये आप देख सकते हैं दुमजला है, और पेड़ भी अंदर, हम बाहर आ गए हैं अभी, इसी घर में शहाब भाई रुके हुए इस पेड़ के नीचे, और अल्हम्दुलिल्लाह आराम फरमा रहे हैं। तो हजरत ने सारा इंतजाम किया, ये खुशी की बात यह है कि हजरत हमारे इलाके के ही, हमारे पड़ोस के निकले अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशी मिली मुझे। आज मैं सुबह 8 बजे यहाँ पर आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और हो सकता है कल सुबह 8 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं और भी काम काज है, साउंड सिस्टम का भी काम है, तो जलसों के प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, उनको भी देखना है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ कहना चाहेंगे शहाब भाई के बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया शहाब भाई के बारे में। आसान जो है सफर आसान फरमाए, बस यही दुआ है सबसे अल्लाह से, तो और वो भी हमारे लिए, सारे हिंदुस्तान वालों के लिए दुआ करें अमन शांति की, मुल्क के अंदर जो परेशानियां हैं वो दूर हों, सारे मुसलमान भाई दीगर जो भी कौम के हैं सारे लोगों को एक माशाल्लाह सबके लिए दुआ करें, ताकि भी हमारे मुल्क के अंदर। अच्छा हमारे व्यूवर से जो है, हमारी कुछ बहनें जुड़ जाती हैं, हमारे भाई हैं बहुत सारे हैं, वो दुआ के लिए कहते हैं कि हम परेशान हैं बहुत ज्यादा, कम से कम हजारों कमेंट्स आती हैं दुआ के लिए शहाब भाई के लिए। हाँ शहाब भाई के लिए तो दुआ सभी कर रहे हैं छोटे से लेकर बड़े तक, वो ये कहते हैं कि शहाब भाई से हमारे लिए दुआ करवाए, तो शहाब भाई सबके लिए दुआ कर रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह सबके लिए दुआ कर रहे हैं माशाल्लाह। शहाब भाई आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं, आप फिलहाल उनके लिए दुआ करो, जब वो साथ खैरियत के वहाँ पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला शहाब भाई आप सबके लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करेंगे। आपका क्या नाम है भाई? अफसर अली। अफसर अली आप कहाँ के रहने वाले? मैं भी अबोहर के रहने वाला हूँ जी माशाल्लाह। देखिए अफसर अली है ये, और ये हमारे जो हजरत है अरे इनके साथ में ही है, ये अबोहर के रहने वाले हैं। हजरत जो है जिला मुरादाबाद के रहने वाले जहाँ से मैं आया हूँ, और ये यहाँ अबोहर में इमामत कर रहे हैं, और ये जो भी है वो
सारे लोगों ने इंतजाम जी हाँ, हजरत के साथ जो पूरी कमेटी है तो पूरी कमेटी ने इंतजाम किया यहाँ शाह भाई का रुकने का, ठहरने का, खाने पीने का सारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई हजरत से मिलकर। और ये हमारे अफसर अली साहब हैं, ये बोहर के रहने वाले हैं, और भी हमारे यहाँ पर भाई खड़े हैं बहुत सारे इस्तकबाल के लिए आए शाह भाई के। अब मैं आपसे एक बात और यहाँ पर बता दूँ कि शाह भाई जो है पंजाब में एंट्री कर चुके हैं, अब राजस्थान स्टेट उन्होंने पार कर दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल हो रहा है। अब यहाँ से बाघा बॉर्डर एक भाई ने हमें बताया था तकरीबन 250 किलोमीटर के आसपास है, पक्की लोकेशन तो नहीं है कि 200 है या 225 है, लेकिन 250 के लपेट में बाघा बॉर्डर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते कि बाघा बॉर्डर तक शाह भाई के साथ जाए, लेकिन किसी मजबूरी के कारण इंशाल्लाह ताला हमें कल वापसी घर जाना पड़ रहा है। बहरहाल मैंने आपसे वादा किया था कि मैं शाह भाई के पास जाऊंगा, आप लोगों को लोकेशन बताऊंगा और आपके लिए दुआ करवाऊंगा। तो मैसेज हमने हजरत के जरिए शाह भाई तक पहुंचवा दिया है। शाह भाई आप सबके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला। और नाज़रीन इकराम एक बात और रह गई थी, मैं अभी हजरत से पूछ रहा था कि जैसे कि आपने कल देखा था कि शाह भाई खेरवाला में रुके हुए थे, तो खेरवाला से लेकर यहाँ तक ये जो जगह है अभी, इस जगह का क्या नाम है भाई जहाँ पर अभी हम तुम खड़े हैं? सीतो बाईपास है। सीतो बाईपास जी, ये बता रहे हैं सीतो बाईपास है ये, और सीतो बाईपास पे ये जगह है, मतलब कोई गांव आस पास है क्या? ये सीतो बाईपास ही बोलते हैं इसको, रामसर। रामसर कितनी दूर होगा अंदाजा? 3-4 किलोमीटर। जी हाँ, देखिए रामसर यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, और हजरत को तो आप जाने गए, मैंने अभी इनके बारे में बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई हमारे इलाके के हैं, और यहाँ 5 साल से खिदमत कर रहे हैं, इमामत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अफसर अली भाई ने बताया कि यहाँ से रामसर यानी कि 4 या 3 किलोमीटर है, और ये जो सीतु बाईपास है जहाँ पे अभी शाह भाई रुके हुए हैं, ये पीछे घर देख सकते हैं, इसी घर में इंशाल्लाह आज का क्याम शाह भाई का रहेगा। और यहाँ से जब निकलेंगे इंशाल्लाह तो आपको बता दिया जाएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बड़ी मोहब्बत है, बड़ी सपोर्ट हमारे साथ है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी 4 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, दुआओं में याद रखना। तो देखिए नाज़रीन इकराम, दूध की थैली से गुजारा करना पड़ रहा है जंगल में। शाह भाई जो हैं यह पीछे दिखाओ, वसीम भाई इधर को दिखाओ, ये देखो ये कार खड़ी है, इस कार के पीछे घर बन रहा है, देखो वो 2 मंजिला चमक रहा है। हाँ, यहीं शाह भाई आराम कर रहे हैं, आज 7 सितंबर है तो जो ये वीडियो शूट कर रहे हैं हम, तो शाह भाई यहाँ पर आराम कर रहे हैं, ठीक है। और हमने जो प्लान बनाया था शाह भाई से दुआ कराने के लिए, आप सबके लिए दुआ करवा दी है, जैसा कि आपने वीडियो में भी देख लिया होगा। तो अब हम घर के लिए निकलना है यार, दूध पी और अंडे खाए हैं, कुछ अंडों के छिक्कल देखिए नीचे पड़े हैं ये। हाँ, एक मौलाना अकरम जो हमें मिले थे हमारे इलाके के, अभी खाने की तरकीब यहाँ नहीं है, थोड़ी देर बाद बनेगी, अब हम हो जाएगा लेट, हमें जाना अजमेर शरीफ दरगाह पे, अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देके इंशाल्लाह फिर हम घर का यानी मुरादाबाद निकल जाना है। नहीं ना, पूरे दूध की थैली खुद ने पी लिया, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ लाइव मुझे दे दीजिए, लेकिन ये कह रहे मुझे ज़्यादा भूख लग रही है। ऐसा नहीं है भाई, लोगों ये मजाक कर रहा है, पिया इसने भी है, मैं भी पी रहा हूँ, लेकिन इसने कम पिया, मैं ज़्यादा पी रहा हूँ, क्योंकि ये कह रहा कच्चा मिश्रा पिया नहीं जाता। बहरहाल अंडे खाए हैं, दूध पिया है, और मौलाना अकरम ने चाय पिलवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा पेट भर गया। कुल मिलाकर बात यह है, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी बड़ी मोहब्बतें हैं, दुआएं हैं, सपोर्ट हमारे साथ है, हमारे भाई हमारी बहनें हमें सुनते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब घर चलेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको कलाम सुनाएंगे। दोस्तों चलते हैं इंशाल्लाह ताला घर, और आपको कलाम सुनाते हैं घर चल के, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, लेकिन उससे पहले एक शेर सुन लें, मैं सुनाऊंगा, वसीम भाई भी सुनाएंगे। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में, मेरे आका का रोज़ा मदीने में। इंशाल्लाह ये कलाम भी आपको सुनाएंगे घर चल के। तो अभी हम चलते हैं इंशाल्लाह ताला, अजमेर शरीफ जाएंगे और दरगाह पे पहुँच के आपको वीडियो दरगाह की दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला।